सीहोर जिले के बुधनी में पिछले कई दिनों से फंसे मजदूरों को उत्तर प्रदेश रवाना कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले 21 दिन और फिर दूसरे 19 दिन के लॉकडाउन के बाद आखिरकार बुधनी की ट्राइडेंट कंपनी में ठेकेदार के पास काम करने वाले अधिकांश मजदूरों को 3 बसों के माध्यम से उत्तर प्रदेश रवाना कर दिया गया। वहीं इस दौरान रवाना होने से पहले मजदूरों द्वारा कंपनी की ओर से वेतन नहीं मिलने की शिकायत भी की गई। कहाँ काम करते थे और अब कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग हैं आपके साथ? सर, जितेंद्र नाम है, ट्राइडेंट कंपनी में काम करता हूँ। कंट्रैक्ट से हम लोग गोरखपुर जा रहे हैं सर। तो क्यों जा रहे हैं? सर बैठे हैं 1.5 महीना से सर, इसके लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पेमेंट वगैरह नहीं मिल रही? पेमेंट सर मिला था, लेकिन 1.5 महीना से बैठे हैं रूम पे, वो सब खा पी के खत्म हो गया। अच्छा, अब नहीं दे रहे हैं? अब नहीं दे रहे हैं। अच्छा। महोबा जिला के हैं हम लोग और अपने महोबा घर जा रहे हैं। यहाँ कहाँ काम करते थे? ट्राइडेंट में, कॉन्ट्रैक्टर से। अच्छा, तो पेमेंट वगैरह नहीं मिल रही है? पेमेंट सर अभी नहीं आई। अच्छा, तो यहाँ से 2 डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं मजदूर। एक प्रयागराज में 70 मजदूर जा रहे हैं, 2 बसें जा रही हैं, और 36 मजदूर अपने झांसी जा रहे हैं, झांसी के डेस्टिनेशन पे, जिससे ये यूपी जा सके। ये व्यवस्था क्या व्यवस्थाएं की गई सर इनको पहुँचाने के लिए? पूरी बसें अपन ने सैनिटाइज करवा दी हैं, प्रॉपर इनको भोजन वगैरह की व्यवस्था करवा दी है, और इसके अलावा अपन ने मास्क वगैरह की जिनको नहीं है मास्क भी दे देंगे। मेडिकल चेकअप भी हुआ है? मेडिकल चेकअप करवा लिया है, स्क्रीनिंग पूरी कर चुके हैं, इनको सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के 70 तथा झांसी के लगभग 36 मजदूरों को मध्य प्रदेश के बुधनी से रवाना किया गया है। वहीं रवाना होने से पूर्व सभी मजदूरों का मेडिकल चेकअप हुआ, जबकि सभी बस को सैनिटाइज भी किया गया। बुधनी से दीपक जाट की रिपोर्ट। न्यूज़ अपडेट्स देखने के लिए विजिट करें camera24.in।